कक्षा सातवीं चैप्टर सातवां साइंस हिंदी मीडियम मौसम जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। अब इसमें हमने पहले पढ़ा है अधिकतम न्यूनतम तापमापी, अधिकतम और न्यूनतम किस प्रकार होता है, जलवायु के घटक कौन कौन से हैं, और आज हम पढ़ेंगे कि ध्रुवों के ऊपर किस प्रकार की जलवायु है, किस प्रकार के वन हैं, किस प्रकार के और हैं। तो ध्रुव आपको चित्र द्वारा ये दर्शाए गए हैं, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। इन ध्रुवों पे जो है 6 महीने तक सूर्य अस्त नहीं होता और 6 महीने तक सूर्य उदय नहीं होता। यहाँ सर्दियों में तापमान जो है -37°C तक हो जाता है, और इसमें वन पाए जाते हैं वो बताऊंगा मैं अभी। पहले देखो कि ध्रुवीय क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले कुछ जंतुओं की चर्चा करते हैं हम। सबसे पहले ध्रुवीय क्षेत्र ध्रुवों के समीप होते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र यानी कि जहाँ रहने सहने की जो संख्या होती है वो वहाँ शहर नज़दीक होते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसमें ध्रुवीय क्षेत्रों के कुछ परिचित देश कनाडा देश, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा अमेरिका में ये साइबेरिया क्षेत्र है, और भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो गणतंत्र, यूनाइटेड युगांडा और नाइजीरिया कुछ ऐसे देश हैं जहाँ उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन इन क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, तो और ये ध्रुवीय क्षेत्र हो गए। और इसमें ध्रुवीय क्षेत्रों को हम नीले रंग से दिखाएंगे, ध्रुवीय क्षेत्रों को नीले रंग से दिखाएंगे, और जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं उनको हम लाल रंग से प्रदर्शित करेंगे। अब इन ध्रुवों पे 6 महीने तक सूर्योदय नहीं होता, बाकी 6 महीनों का सूर्य अस्त नहीं होता, और -37°C तक तापमान हो जाता है। यहाँ रहने वाले जंतु इन चरम परिस्थितियों में अनुकूलित हो गए हैं। तो जिस तरह ध्रुवीय भालू पोलर बियर, यानी पोलर बियर किसे कहते हैं, तो ध्रुवीय भालू को कहते हैं। पैगविन के उदाहरण हैं, यहाँ जानने का प्रयास करें। तो ध्रुवीय भालू यानी कि पोलर बियर, जिसके शरीर पर सफ़ेद बाल या फर होते हैं जिससे वे बर्फ़ की सफ़ेद चद्दर यानी पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते, इससे अन्य पर पक्षियों का बचाव की सहायता मिलती है, और साथ ही इन्हें अपने शिकार को पकड़ने में भी सहायता मिलती है। ये चरम शीत से बचने के लिए बालों को यानी फर को 2 मोटी परतों में होते हैं। इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है, और यह ध्रुवीय भालू का शरीर इतनी अच्छी तरह से शीतरोधी होता है कि वह धीमे धीमे चलते हैं ताकि उनके शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक ना हो जाए। यानी कि इसकी जो सफ़ेद फर वाली जो मोटी परतें हैं वो शीतरोधी यानी कि ठंड का इतना रुकावट पैदा करते हैं कि वो धीमे चलते ताकि अगर तेज़ चलेंगे तो उसमें गर्मी ना हो, उनको शरीर को गर्मी ना लगे, पसीना ना आए, और अगर एकदम से रुके तो वो एकदम से ठंड भी महसूस ना करें। तो बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। जब वो शरीर के अंदर चलने से उनके गर्मी आएगी तो वो विश्राम करेंगे। तो गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलापों के बाद ध्रुवीय भालुओं को शरीर ठंडा करना पड़ता है, तो ध्रुवीय समुद्री जल में तैरते हैं। ध्रुवीय भालू जो है वो समुद्री जल में तैरते हैं, अच्छे तैराक होते हैं, इनके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं जो न केवल अच्छी तरह से तैरने में सहायता करते हैं। अब ये देखिए ध्रुवीय भालू, ये ध्रुवीय भालू है। अब इसके ये दिए हैं, इसकी विशेषताएं लिखी है इसने इसके चारों तरफ से। तो बल्कि उन्हें बर्फ में चलने में भी सहायक होते हैं, और तैरते समय अपने नथुनों को बंद कर लेते हैं और लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। ध्रुवीय भालू की ये विशेषता है। अब है अन्य परिचित पेंगुइन,
ये देखो पैगविनों का झुंड है, ये क्या करते हैं कि अन्य जंतु पैगविन हैं और ये सफ़ेद होते हैं और आसानी से बर्फ़ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में भी मिल जाते हैं। शरीर में भी स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा अत्यधिक वसा होती है, सेम चीज़ है, उनकी सफ़ेद परत होती है और इनके भी सफ़ेद परत होती है, उनकी त्वचा के नीचे जो है मोटी त्वचा के नीचे अधिक वसा होती है। आपने पैगविनों के झुंड को चित्र में देखे हैं, स्वयं को गर्म रखने के लिए ऐसा करते हैं, यानी कि वो झुंड के अंदर जिस तरह से सर्दी के मौसम में कुत्ते होते हैं, जो कुत्ते एक दूसरे के ऊपर गिरे होते हैं झुंड बना करके, तो वो सर्दी से बचने के लिए करते हैं, इसी तरह ही पैगविनों का झुंड होता है। ये खचाखच भरे किसी कमरे या हाल में होते हैं तो इतना गर्म महसूस करते हैं कि ध्रुवीय भालू की तरह पैगविन भी अच्छे तैराक होते हैं, यानी कि इनकी सेम जो है मिलती जुलती है आते हैं। इनके पैरों में जाल बने होते हैं जिससे अच्छे तैराक होते हैं। अब ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं में प्रकार की मछलियाँ, कस्तूरी मृग, रेंडियर, लोमड़ी, सील, व्हेल तथा अन्य प्रकार के कई पक्षी सम्मिलित हैं। अब मछली ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती है, वहीं पक्षियों को जीवित रहने के लिए शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। इसी प्रकार अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों के लिए आते थे, अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं। प्रवास कहते हैं वहाँ वो स्थान छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर जाना, ठीक है, कहीं सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो वो उस स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, और सर्दी समाप्त होने के बाद जब गर्मी होती है तो पुनः ही उसी स्थान पर लौट आते हैं। तो ये साइबेरिया क्रैनों के बारे में सुना होगा, साइबेरिया से राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं, ये जो पैगविन है ये आते हैं। कुछ पक्षी उत्तर पूर्व के कुछ आदर्श स्थानों के और भारत के कुछ अन्य प्रवास के लिए भी आ जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन, अब इसमें देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है, वहाँ भूमध्य रेखा के आसपास होती है। तो भूमध्य रेखा जो है यहाँ ये तीन रेखाएं हैं, इसका भूमध्य बोलते हैं। भू का मतलब जमीन के और मध्य का मतलब बीच में, और ये मकर रेखा और ये कर्क रेखा, ये तीन रेखाएं होती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो इस तरह से होते हैं। तो सबसे सर्द महीने में भी तापमान सामान्यतः यहाँ 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, गर्मियों में यहाँ तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। वर्ष भर दिन भर और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है, इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। इन क्षेत्रों की एक प्रमुख विशेषता है कि यहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारतीय पश्चिमी घाटों असम में पाए जाते हैं, ऐसे वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और पादप और जंतु पाए जाते हैं। वर्षा वनों में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के जंतु बंदर, एप्स, गोरिल्ला, चित्ता, हाथी, तेंदुआ, सर्प, पक्षी होते हैं। तो ये हैं, मैंने आज तीन करवाए हैं, एक तो आपको पैगविन करवाया है, एक आपको करवाया है ध्रुवीय पैगविन और ध्रुवीय भालू, और पैगविन जो है इस तरह से झुंड में रहता है, और तीसरा मैंने करवाया है आपको ये इस प्रकार से है। तो ये आपने पूरा करना है यहाँ तक, इनकी विशेषताएं और हैं ये मैंने आपको ये दिखाया है चित्र, और इसकी सहायता से आपने करने हैं। थैंक यू।